मॉर्निंग फ्रेंड्स, नया दिन नई शुरुआत और पूरी ऊर्जा के साथ। कैसे हैं आप सब? और कल मैं मार्केट गई थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा शहर इतना साफ दिख रहा था। मार्केट रोड और जहाँ सब छोटे छोटे वो लोग रोड पे आके फुटपाथ पे बैठे रहते थे फालतू की दुकानें लगा के, वो सब बिल्कुल क्लीन। और यहाँ तक भी कोई फालतू का रैपर, कोई वो धोने, कोई वो नहीं, कुछ नहीं। मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर पब्लिक थोड़ा सपोर्ट करे तो इंदौर से कम नहीं होगी हमारी सिटी। फिर बहुत ही क्लीन थी, बहुत अच्छा लगा। साफ़ सफाई का सभी ध्यान रखें, एक इंसान से नहीं हो सकता और ना ही ये कोई गवर्नमेंट करा सकती है जब तक हम खुद सपोर्ट ना करें। और हम अपने कोई भी रैपर कहीं भी खाया, कुछ भी फेंक दिया, वो सब डस्टबिन देखे नहीं है तो अपने ही पास रखे रहें, अपने बैग में कहीं ऐसी जगह फेंके जहाँ उसकी वो जगह हो। प्लीज़ इन सब बातों का सभी ख्याल रखें तो भी सफाई और आगे पहुँचेगी, ये आगे और बढ़ेगी। तो ये सब बहुत अच्छा लगा। गला मेरा अभी भी नहीं सही हुआ है पर मुझे गुस्सा आ रही है, मैं उसको ठीक करने की अब कोशिश करूँगी, अब केयर करूँगी उसकी। और बस अपने मन का करते रहिए, बाकी दुनिया तो है उसका काम कहना है, वो तो अपना काम करेगी, आप अपना काम करते रहिए, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। क्योंकि उसका क्यों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उसकी परवाह मत करिए। आप ज़्यादा हंसेंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे, आप चुप हो जाएंगे तो कहेंगे कोई टेंशन में है, आप कम लोगों से मिलेंगे तो कुछ कहेंगे, कुछ ज़्यादा मिलेंगे तो कुछ कहेंगे। जीने नहीं देती है, लेकिन खुद के लिए जीना है और अपने तरीके से जीना है। तो मस्ती से जी लीजिए, क्या करना है ना। मैं जा रही हूँ अब थोड़ा और कुछ काम करने, क्योंकि अभी एक तैयारी बाकी है और उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे भी कहूँगी कि आप भी तैयारी करिए, हनुमान जी का जन्मदिन आ रहा है, बजरंग बली का। आपके घर में बच्चों का बर्थडे आता है, आपका आता है, काफ़ी अच्छी तैयारी करते हैं, तो बजरंग बली के लिए भी तैयारी करिए, कुछ सोचिए कुछ करने की। तो मुझे मार्केट आज भी जाना है और फिर भी मिलती रहूँगी आपसे। एक तो बहुत टाइम से कविता ही नहीं हुई, मैं भी सोच रही थी कि कितना दिन हो गया और कोई शेर शायरी नहीं हुई, क्या बात है ये। हाँ, लेकिन नवरात्र चल रहा था तो मैया के गीत, माता रानी का देवी गीत हो रहा था, तो और भी अच्छी बात है। और आज मेरे ब्लॉग में कुछ शेर शायरी ज़रूर होगी, तो एंड होने के पहले ये शेर शायरी होगी फिर एंड होगा। तो मैं अभी भी शॉपिंग से आ गई हूँ और देखिए मैं बजरंग बली जी के जन्मोत्सव के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। ये पूरा पैकेट उनकी पूजा की सामग्री का है और ये कुछ जनेऊ और कपूर वगैरह है और ये सारा पैकेट में सब उन्हीं की पूजा का सामान है। तो तैयारी हो रही है, आप लोग भी करिए। बजरंग बली का जन्मोत्सव है, पवन सुत तो हनुमान जी का जन्मदिन है, जोर शोर से मनाइए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ और ये क्या है, कौन सा मैं जादू दिखाने जा रही हूँ। तो ये एक प्रकार का जादू ही समझ लीजिए, श्रद्धा भक्ति भाव का जादू है और ईश्वरीय शक्ति का ही जादू है। राम सेतु सभी जानते होंगे, राम जी ने लंका जाने के लिए जो राम सेतु बनाया और वो एक भी पत्थर डूबा नहीं, तो आज भी उसका चमत्कारिक वो दिखता है। हम लोग रामेश्वरम गए थे तो वहाँ के जो अवशेष बचे हुए पत्थर थे वो एक शॉप पे रखे हुए हैं और वो लोग सामने दिखा के और उसको फिर वो दे भी आए हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ दो पत्थर खरीदे थे और देखिए इसके लिए टीका लगा हुआ है, इसकी पूजा हुई है और काफ़ी वजन है इसमें, बहुत वेटेड पत्थर है ये, ऐसा नहीं कि इसमें वजन नहीं है, अच्छा खासा इसका वजन है। और प्रभु श्री राम का नाम लेके मैं देखिए आपके सामने से पानी में डालती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए जय श्री राम, ये पूरा ये भगोना पानी से भरा है और चमत्कार देखिए प्रभु जी का, ये पत्थर उस टाइम का है और आज भी ये पत्थर ये देखिए ये तैर रहा है पानी में। भी आप एक कंकड़ भी डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, पर ये अच्छा खासा वजनदार पत्थर है और ये पानी में डूब नहीं रहा है, ये देख लीजिए। तो सभी लोग बोलिए जय श्री राम, क्योंकि राम की महिमा है, राम के नाम की महिमा है और हमें उनका ये मानना चाहिए। तो
मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, जय श्री राम। ये देखिए पत्थर कैसे तैर रहा है पानी में, देख लीजिए। ये देखिए, ये दिख रहे हैं। तो आप लोग भी जब भी रामेश्वरम जाएं, मैं कहूँगी ये राम सेतु शिला जरूर लें और घर में सबको दिखाएं, बच्चों को या सभी को। भक्ति, ईश्वरीय शक्ति, उनका चमत्कार दिख रहा है। और ये देखिए, अभी छोटे सा कंकड़ भी आप डालेंगे तो वो पानी में डूब जाएगा, लेकिन ये राम सेतु शिला पानी में तैर रही है। ये राम के नाम की महिमा ही है और कुछ नहीं। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय। तो दो लाइन मैं एक शायरी सुना रही हूँ, बहुत ही हिट कवि जी की है, आप उसको सुनते ही जान जाएंगे। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे मगर तेरी खबर ये है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। हाँ जी, अब इसी शायरी के साथ मेरे ब्लॉग का एंड होता है। कल फिर मिलेंगे नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी जो मर्जी आए वो करिए। पानी खूब पीजिए, दिन की धूप में मत निकलिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और हर मन की सोच को पॉजिटिव रखिए। ये आपके मन की ऊर्जा को बढ़ाएगा और जीने का एक रंग, एक जीने की खुशी देगा। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।